नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। यह हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों सरकारें अयोध्या पर काफ़ी ध्यान केंद्रित कर रही हैं। अयोध्या के लिए 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिलने के बाद सरकार इसके निर्माण की तैयारी में जुट गई है। क्या है पूरी डिटेल इस वीडियो में हम बात करेंगे। कितना किलोमीटर का बनेगा और कितना डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो आएंगे, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। 84 कोस परिक्रमा मार्ग बनेगा 4 लेन नेशनल हाईवे 227B के नाम से जाना जाएगा। इस नेशनल हाईवे को 5 जिलों से होकर के गुजरेगा, उनमें से अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोंडा, बस्ती और बाराबंकी शामिल हैं। लगभग 275 किलोमीटर का लंबाई रहेगी 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की और 45 मीटर की चौड़ाई होगी और इसे नेशनल हाईवे 227B के नाम से जाना जाएगा। 84 कोस परिक्रमा का अलाइनमेंट अगस्त के अंत तक बन के तैयार कर लिया जाएगा और अक्टूबर में इसका शिलान्यास करने की तैयारी है और इसे कई पैकेज में पूरा किया जाएगा। 84 कोस परिक्रमा मार्ग का स्वरूप जो है धरातल पर लाने के लिए बहुत तेज़ी से काम किए जा रहे हैं। लगभग 275 किलोमीटर की लंबाई रहेगी, 4 लेन का बनाया जाएगा। इस मार्ग के किनारे रामायणकालीन पौधे लगाए जाएंगे, साथ ही साथ उस समय की घटनाओं का मनोहर चित्रण किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करेंगे कि मार्ग के किनारे कोई अतिक्रमण ना हो सके और यहां पर पड़ने वाले जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उनका जो निर्माण कार्य किया जाएगा पूरी तरह से सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जाएगा। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग जल्द शुरू होगा काम। इस 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण कार्य PWD के द्वारा कराया जाएगा। परिक्रमा मार्ग को पूरा करने के लिए घाघरा नदी पर 2 स्थानों पर पुल बनाए जाएंगे। इसमें से प्रत्येक पुल की लंबाई 3.5 किलोमीटर की होगी। श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए पूरे मार्ग में 23 रात्रि हल्ट भी बनाए जाएंगे। जमीन अधिग्रहण के लिए 100 करोड़ और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिविल निर्माण की लागत लगभग 21,000 करोड़ रुपए आएगी और यहां पर 84 कोसी परिक्रमा का जो लास्ट अगस्त में इसका अलाइनमेंट तैयार कर लिया जाएगा। अयोध्या तक 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के लिए PWD की NH विंग ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इस मार्ग में पौराणिक महत्व के 51 तीर्थ स्थल जुड़ेंगे। करीब 35,000 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को कंप्लीट किया जाएगा। दिसंबर तक जमीन का कार्य आरंभ करने की योजना बनाई जा रही है। शिलान्यास PM नरेंद्र मोदी के हाथों होने की संभावना है। दोस्तों, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। दोस्तों, कुछ भी जानकारी, DPR रेडी होता है, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होती है, इस हाईवे से संबंधित पूरी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 84 कोस परिक्रमा मार्ग जो कि निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा, DPR बनने का काम चालू होगा, शिलान्यास कब तक होगा, पूरी डिटेल में हम आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।